वो पल तो हर लड़की की लाइफ में आता है जब उसमें औरत बनने की चाहत जाग उठती है। रोजी की ख्वाहिशें भी रोज की तरह खिल रही थी। जिंदगी के पिंजड़े से बाहर दूर दूर के सपने रोजी को बेताब कर रहे थे और बदन के खिलते बगीचे में रोजी की जवानी कांटे की तरह खुद उसी को चुभे जा रही थी। खिड़की की सलाखों के पीछे खड़ी रोजी आंखों पर दूरबीन लगाए शहर की चमकती लाइटों को देखती। जीन्स पहने लड़कियां बॉयफ्रेंड से चिपकी मोटरसाइकिल पे खुलेआम घूमती। उनकी धधकती आवाजें सुन रोजी की फैंटेसी अब बेकाबू हो जाती। अभी तुम एक काम करो, अभी तुम घर जाओ और अंताक्षरी खेलो। नेक्स्ट टाइम कुछ बैन होगा तो फिर से ट्राई कर लेना। पर जैसे ही रोजी हाई हील सैंडल निकालती, लाइटें ही ऑफ हो जाती। अब रोजी को दूरबीन में नए नए नजारे दिखते। इस मामूली गली से बहुत दूर हार्ले डेविडसन पर सवार बाल लहराते हुए तूफानी रेस लगा रही है। कैसी लग रही हो? अगर हनीमून पर एक टॉप क्लास का फोटोग्राफर आपके साथ घूमे तो देखो कहाँ स्कीम ये बने।
शादी से लेकर हनीमून तक हम दूल्हा दुल्हन के साथ रहेंगे और उनकी फोटो एल्बम बनाएंगे। लड़की का जानदार हेयर स्टाइल, मेकअप सब मैं करूंगी। फुल कैटरीना कैफ दिखेगी। फोटो ये खींचेगा, मेकअप मैं करूंगी। आपकी एजेंसी को 20% कट मिलेगा। बोलो कहाँ। अरे क्या फर्जी स्कीम है मैडम, बख्श दो। स्कीम तो मेरी A1 है और एक दिन तू ही बोलेगा। अरे छोड़ ना लीला, ऐसे इससे बेस्ट एजेंट है भोपाल में। दुकानों की शौकीन रोजी खिड़की पे खड़ी गली में चलते लोगों को जोर जोर से पुकारती, सपने ले लो, धड़कते भड़कते जादुई सपने। जी ये बाहर मिली, आपकी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो असली सोने की पहनती। माशाल्लाह, क्यों नहीं पहनेंगी? आपको देखकर ही लगता है अल्लाह मियां का दिया सब कुछ है आपके पास। एक ग्लास पानी पी सकते हैं प्लीज? थोड़ा ठंडा पीते हैं, जरा बर्फ डाल दे तो। अल्लाह, भोपाल की धूप, तौबा तौबा। काश हम नींबू और थोड़ी शक्कर बैग में रखते तो भी शिकंजी बना लेते है ना। शुक्रिया, शक्कर हम खुद ही निकाल लेते। तुम कर क्या रही हो? घबराइए मत, मैजिक प्रोडक्ट्स का शानदार पेस्ट कंट्रोल गन है मैम, सुपर गन। देखिए, खुशबू से भरपूर और हर पेस्ट का इलाज, चीटियां, चूहे या देखिए कॉकरोच। वरी नॉट, बस एक बार पूरे घर में स्प्रे कीजिए ऐसे और 6 महीने के लिए बिन बुलाए मेहमानों से छुट्टी। ट्राई कीजिए ना। ये हर तरह के पेस्ट पे काम करता है। आप ट्राई करके बताइएगा। क्यों, तुम्हें अपने घर में पेस्ट कंट्रोल नहीं करना पड़ता? हमारा पेस्ट गन के बिना ही कंट्रोल में रहता है। लकी हो। सुपर गन का ऑर्डर देने के लिए कॉल कीजिए। शरीन असलम, मैजिक प्रोडक्ट्स। हेलो जी, वो रिंग सुनाई नहीं दी। हाँ, स्कूल में वेट कर रहे हैं, क्लास छूटी नहीं। जी जी। पर्दे बड़े मोटे थे, अंधेरे में रोजी को कोई देख नहीं पाता। रोजी की चीखें गली की हलचल में सुनाई नहीं देती और रोजी के सपनों की दुकान का शटर खुलने से पहले ही बंद हो जाता। खंडहर से घर के एक बंद कमरे में रोजी कैद थी, अपने जवान रंगीन अरमानों के साथ बिल्कुल अकेली। रोजी की खिड़की तक सिर्फ मर्दों की परछाइयां पहुंचती। ऐसा लगता उसके बदन की प्यास कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि चौखट पर लगे ताले की चाबी कई जमानों से गुम थी। कही थी ना बुआ जी। अरे सब भी बुआ जी, पूरे 10 लाख है, मार्केट रेट से 50 लाख रुपया ज्यादा देंगे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मियां? लैट बन्नाट होना चाहिए, कहा जाना तुमको है? तो एक लड़ी से क्या होगा, लगाओ लगाओ पूरा भरो। बैठी बैठी बैठी, एक शाइनी शानदार मॉल बनवाएंगे यहाँ। शाइनी तो अपन की हवाई मंजिल भी है। आप क्या माल बेच रहे हैं? माल नहीं बुआ जी, मॉल मॉल। ये लीजिए हमारा लिमका रिकॉर्ड वाला समोसा, लिमका के साथ नोश फरमाइए, है ना। लेकिन कहाँ है बुआ जी, हम तो आपके फायदे की बात करेंगे। कितने सालों से आपके किराएदार हैं कि नहीं? किराएदार हो ना तो अपने औकात में रहो रहे हैं भाई। अरे अपनी कमीशन के चक्कर में पूरी इमारत भी कहोगे क्या? हाँ और क्या, और आपने 7 साल सऊदी में जाके क्या पैसे नहीं कमाए? अरे बस चुप करो तुम दोनों। अरे वो कच्चे पे मत उतरो। गुप्ता जी जब इनके मम्मी डैडी हमारे इनके फुप्पा गैस कांड में सब फौत हो गए थे तो पता है हमारे पास क्या रहा था? तुमको तो पता है, हवाई मंजिल। सिर्फ हवाई मंजिल का कोई रेट नहीं। छोटू हटो।
भी मेरी लीला की ऐसी जोड़ी नहीं मिला पाते जैसे आपने मिलाई। और जोड़ी भी कैसी कि ससुराल घर से सिर्फ दो गली दूर है। हमें जब भी फेशियल वैक्सिंग कराना होगा हम तो झट से चले जाएंगे। शादी के बाद लीला फेशियल वैक्सिंग पूरी करेगी, घर बैठ के ऐश करेगी। ऐश तो करूंगी लेकिन घर नहीं बैठूंगी। आप घर नहीं बैठोगी तो फिर क्या करोगी? हाँ हनीमून जाऊंगी ना। अचानक रोजी की नजर एक लाल गुलाबों के गुलदस्ते पर पड़ी। फूलों की दुकान का मालिक उस गुलदस्ते को सजा रहा था। काश कोई राजकुमार आता और रोजी के बदन को गुलाबों से सहलाता। खिड़की की सलाखों के पीछे बेकरार रोजी ने बाथरोब उतार दिया। राजकुमार के इंतजार में बेताब खड़ी रोजी लिए आंखों में मस्ती और होठों पर लाल लिपस्टिक। क्या बात है मैडम, तुम स्माइल करिए अभी। क्या बात है, प्रोफाइल दिखाइए। कहाँ दुल्हन कहाँ घुसे जा रहे हो इधर आओ सॉरी सामने देखिए प्रोफाइल हटाइए सामने देखिए सगाई हो रही है आपकी फोटो खिंच रही है आप हाँ जी ठीक है बस हो गया ये भी एक काम करते ग्रुप फोटो लेते हैं बुआ जी आइए ना एक ग्रुप फोटो लेते हैं सबके साथ। हाँ क्यों नहीं बुआ जी आप एक काम करिए इन दोनों के बीच में आ जाइए। अरे नहीं दूल्हा दुल्हन के बीच में हम कहाँ कबाब में होते। आओ आओ सब लोग आओ, लक्ष्मण पूरा परिवार। अरे तू बच्चे देखो बहुत बेचारा रो रहा है। स्माइल करना तू। हाँ जी और तो कोई नहीं आ रहा अभी, कुछ झूठा तो नहीं। वन टू थ्री और एक और एक वन मोर सिर्फ जा रही थी जी। आप जाइए। नहीं कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए यही है वो फ्यूज का बक्सा। जी चलिए देखते हैं। आइए चलिए। तू पहले मुझे सच सच बोल, तू कल इंटरव्यू पे आएगा कि नहीं? अरे आऊंगा ना, पागल हो गई है क्या? आऊंगा ना पहले तेरे हुस्न दे कोने कोने दे इंटरव्यू तो ले लूं। बेटा लीला दीदी को देखा है कहीं? नहीं 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 ठीक है खेलो। देखिए ऐसे आराम से कोर्स में भी फिट हो जाते हैं। जादुई लगती है आपके मिस्टर सऊदी से लाए। अरे कौन है भाई? आप ही रखिए, हमें जरूरत नहीं, बाद में ले। पर आप तो माफ कीजिएगा शुरू हो जाती है। अरे बड़ी चालू थी, पता नहीं कहाँ का कौन थी, इनके मुंह मत लगा। दानिश ने तेरे पर हाथ भी लगाया ना, तो साले को शोले का ठाकुर बना दूंगा मैं कसम से।